जींस का नाम डेनिम क्यों पड़ा और इसकी छोटी पॉकेट का मजेदार है इतिहास, जानिए इसके पीछे ये दिलचस्प कहानी। नमस्कार, मैं हूं नेहा, स्वागत है आज के इस वीडियो में। जींस एक ऐसा परिधान है जो कभी भी फैशन से बाहर नहीं होता। इसकी कई डिजाइन और ट्रेंड्स समय समय पर बदलते रहते हैं, लेकिन जींस का एक खास फीचर जो हमेशा स्थिर रहता है वे है इसकी छोटी पैकेट। ये छोटी पॉकेट आमतौर पर जींस की दाईं ओर होती है और इसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस पॉकेट का वास्तविक उद्देश्य क्या है, इसे क्यों बनाया गया था और इसका इतिहास क्या है? आइए जानते हैं इसके बारे में। 19वीं सदी में जींस का आविष्कार हुआ था। इसे मुख्य रूप से कामकाजी लोगों के लिए, खासकर मजदूर वर्ग के लोगों के लिए डिजाइन किया गया था। उस समय लोग चेन वाली घड़ियां इस्तेमाल करते थे जिन्हें वेस्ट कोट में रखा जाता था। घड़ी को सुरक्षित रखने के लिए जींस में एक छोटी पॉकेट बनाई गई थी जिसे वॉच पॉकेट कहा जाता था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि घड़ी को सुरक्षित रखना और उसे टूटने फूटने से बचाना। लिवाइस ने इस छोटी पॉकेट को पहली बार अपने जींस में शामिल किया था। आज भी लिवाइस जींस एक प्रमुख और विश्वसनीय ब्रांड माना जाता है। लिवाइस ने इस पॉकेट को चेन वाली घड़ी रखने के लिए बनाया था। हालांकि आजकल चेन वाली घड़ियां प्रचलन में नहीं है, फिर भी ये पॉकेट आज भी बनी हुई है। इसे अब कई नामों से जाना जाता है, जैसे क्वाइन पॉकेट, टिकट पॉकेट या मैच पॉकेट। आधुनिक समय में इस पॉकेट का उपयोग घड़ी रखने के बजाय सिक्के, छोटी चाबियां या कभी कभी फैशन के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं जींस का कपड़ा डेनिम क्यों कहलाता है। 19वीं सदी में जींस का निर्माण फ्रांस के निम्स शहर में हुआ था। उस समय इस्तेमाल किए जाने वाले कपड़े को सर्ज कहा जाता था। फ्रांसीसी लोग इसे सर्ज डी निम्स कहते थे, जिसका मतलब होता है निम्स का सर्ज। धीरे धीरे इस नाम में संक्षेपण हुआ और ये डेनिम के नाम से जाना जाने लगा। जींस का डिजाइन मजदूरों की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर किया गया था। जींस की विशेषता ये है कि ये जल्दी गंदा नहीं होता, जिससे कामकाजी लोगों को बार बार कपड़े धोने की चिंता नहीं रहती। इस कारण जींस अपने समय की एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक आवश्यकता थी। प्रारंभ में ये सिर्फ मजदूरों के लिए था, लेकिन समय के साथ साथ ये बड़े लोगों द्वारा भी अपनाया गया और आज एक फैशन स्टेटमेंट बन चुका है। दिलचस्प घटना 2001 की है, जब स्टीव जॉब्स ने मजाक करते हुए कहा कि इस छोटी पॉकेट में आईपॉड रखा जा सकता है। इस प्रकार छोटी पॉकेट के विभिन्न उपयोगों की कल्पना की जा सकती है। तो इस प्रकार जींस की छोटी पॉकेट का इतिहास और इसका उपयोग एक दिलचस्प और ऐतिहासिक पहलू को दर्शाता, जो विकास की यात्रा को स्पष्ट करता है। ये पॉकेट केवल एक डिजाइन की खासियत नहीं, बल्कि इसके पीछे की सोच और विकास की कहानी को भी बयां करती है। जींस चाहे किसी भी फैशन ट्रेंड के तहत हो, हमेशा अपने इस छोटी पॉकेट के साथ एक ऐतिहासिक और आकर्षक परिधान बना रहेगा।